तो दोस्तों मैं ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट ना हो। G75 से हम फेसिंग कर सकते हैं, हमारे मशीन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हमारा G75 मशीन में वर्क होगा या नहीं। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू EKCNC इंफॉर्मेशन पे स्वागत है। दोस्तों आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि जो हमारा लास्ट वीडियो था G75 से फेसिंग हम कर सकते हैं, उसमें मैं आपको प्रोग्राम बना के बताया था और मैं ये भी बताया था कि हम कहाँ यूज कर सकते हैं। तो उस वीडियो में दोस्तों बहुत से लोग व्हाट्सएप पे कमेंट किए हैं, कुछ लोग वीडियो में कमेंट किए हैं कि हम G75 से फेसिंग क्या हकीकत में कर सकते हैं या फिर हमारा मशीन डैश हो जाएगा, हमारे मशीन को कुछ नुकसान हो जाएगा, ऐसा ऐसा करके कमेंट आया। तो मैंने यहाँ पे जैसे लिखा भी हूँ कि G75 से फेसिंग होगा या नहीं। तो दोस्तों मैं ऐसा प्रोग्राम बिल्कुल भी नहीं बताऊंगा जो आपके लिए बेनिफिट ना हो। G75 से हम फेसिंग कर सकते हैं, हमारे मशीन को कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। और आज की इस वीडियो में मैं आपको उसका प्रूफ भी दिखाऊंगा कि हमारा G75 मशीन में वर्क होगा या नहीं होगा। तो चलिए हम वीडियो देखते हैं कि हमारे मशीन में G75 वर्क होगा या नहीं। तो दोस्तों देखिए, सेम वही प्रोग्राम है जो आप लोगों को मैं वीडियो में बना के दिया हूँ। 30 नंबर का प्रोग्राम है, सेम प्रोग्राम है दोस्तों जो आप लोगों को मैं बताया था। मैंने मशीन में प्रोग्राम नंबर डाल के रखा है और मैं ये प्रोग्राम अभी रन करूँगा। मैंने प्रोग्राम को टेस्ट के बटन चालू किया है, प्रोग्राम टेस्ट, ये बटन मैंने ऑन करके रखा है जैसा कि आप देख सकते हैं। और मैं अभी ये ऑटो में लूँगा और स्क्रीन पे देखिए सेम प्रोग्राम है, 30 नंबर जो अभी मैं आप लोगों को दिखाया हूँ वही प्रोग्राम है। और मैं यहाँ पे ग्राफ का बटन प्रेस कर रहा हूँ क्योंकि हमें ग्राफ देखना है। अब मैं साइकिल स्टार्ट करने जा रहा हूँ, साइकिल स्टार्ट किया हूँ और देखिए ये हमारा जो 41 का डिस्टेंस है पहले वो जा रहा है, फिर 41-42 में जाएगा, येलो कलर थोड़ा सा जेड में गया है, 42 वहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे हमारा ये फेसिंग चालू हो गया दोस्तों, 42 तक फेसिंग हो, 43 तक फेसिंग हो चुका है और अब ये 43.5 पे जा चुका है। अब उसके बाद ये 44 गया, अभी उसके बाद ये 44.5 गया। अब अपना लास्ट कट कितना है, 44.95 वहाँ पे गया। अब ये दोस्तों ये इसका फेसिंग हो चुका है, अब ये होम पोजीशन पे जा रहा है। ये मैं ग्राफ डिलीट कर दिया हूँ देखिए, ताकि मालूम पड़े कि टूल हमारा पीछे जा रहा है। तो इसी तरीके से दोस्तों हम कोई भी प्रोग्राम मशीन में चेक कर सकते हैं, जैसा कि मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को दिखाया हूँ। कोई भी प्रोग्राम हम मशीन में इस तरह प्रोग्राम टेस्ट का बटन ऑन करके, या एक और कोई कोई मशीनों में दोस्तों प्रोग्राम टेस्ट की जगह पे मशीन लॉक करके बटन दिया रहता है, जैसा कि मैं अभी आप लोगों के सामने दिखा रहा हूँ। यह बटन ऑन करना होगा, फिर हम कोई भी मशीन का प्रोग्राम ऐसे ही मशीन लॉक करके चेक कर सकते हैं, हमारा मशीन आगे पीछे स्लाइड बिल्कुल भी नहीं होगा। तो ठीक है दोस्तों, बस इतना ही था। तो दोस्तों वीडियो आप देख लिए होंगे कि हम G75 से फेसिंग कर सकते हैं। मैंने आपको इस वीडियो में जी सेम प्रोग्राम, जो प्रोग्राम मैं आपको उस वीडियो में बना के दिखाया था, वही प्रोग्राम मशीन में डाल के प्रोग्राम मैंने टेस्ट किया, उसका ग्राफ दिखाया आपको। ऐसे ही करके दोस्तों हम कोई भी प्रोग्राम का ग्राफ देख सकते हैं। हमारा मशीन में प्रोग्राम टेस्ट का बटन दिया रहता है या मशीन लॉक करके एक बटन दिया रहेगा, उसे हम लॉक करके हम कोई भी प्रोग्राम चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो कैसा रहा कमेंट करके जरूर बताना, वीडियो को लाइक और शेयर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। फिर मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।